हेलो फ्रेंड्स टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चेक करते हैं फॉर एग्जांपल ब्रेकर में हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट चेक करते हैं बस बार में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट चेक करते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट में हम कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट चेक करते हैं उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन रेडी किए हैं जैसे व्हाट इज द कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट यानी कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट किसको कहते हैं द कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू करंट ड्यू टू सरफेस कंडीसन वन कॉन्टैक्ट आर टचिंग वन अनोदर यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस इज़ द रजिस्टेंस टू द करंट फ्लो ड्यू टू सरफेस कंडीसन उसका मतलब यह है कि ब्रेकर में जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट आता है फॉर एक्जाम्पल वो जब दोनों टच होगा तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगा और उसमें कुछ रजिस्टेंस बनेगा और जो जो सरफेस कंडीशन है सरफेस कंडीशन इज द नथिंग बट द कॉन्टैक्ट टच बिटवीन वन अनदर यानी फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जब टच करता है उसको बोलता है सरफेस कंडीशन ये है रेजिस्टेंस मेजरमेंट की डेफिनेशन सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग द कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट करने की हमको जरूरत क्या है यानी क्यों हम कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस को चेक करते हैं बाय डूइंग द कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस वी कैन फाइंड द लूज कनेक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑल्सो फाइंड द टेंशन ऑफ द बोल्ट यानी कहने का मतलब यह है कि जो बाय डूइंग द कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट से हम लूज कनेक्शन फाइंड कर सकते हैं यानी जो मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट जैसे ये मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मेरा नीचे है मूविंग कांटेक्ट। ये दोनों प्रॉपर टच होना चाहिए कुछ भी लूज कंडीशन होगा तो हम कांटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट से उसको फ़ाइन कर सकते हैं और टेंशन ऑफ द बोल्ट यानी बोल्ट कभी लूज होता है उसको भी हम फाइन कर सकते हैं और दूसरा ऑल्सो फाइंड द क्रोडेड कॉन्टेक्ट्स दिस एरिया यानी कभी हमारा कॉन्टैक्ट में कुछ कॉरोजन हो जाता है उसको भी हम कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट से फाइन कर सकते हैं जब करोजन होगा तो उसमें हाई रजिस्टेंस होगा जब कॉरोजन हो जाएगा तो उसमें हाई रजिस्टेंस होगा हाई रजिस्टेंस होगा तो हाई रजिस्टेंस की वजह से करंट जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा हमको पता है ओम स्लो V इक्वल टू इंटू आर और I इक्वल टू वी बाई आर यानी करंट और रजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट क्या है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दूसरा यानी हम कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस चेक करते हैं उसका फ़ायदा यह है द कॉन्टेक्ट इन द सर्किट ब्रेकर नीड टू चेक पीरियोडिकली, यानी उसको कुछ महीने के अंदर या कुछ हफ्ते के अंदर उसको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को प्रियोरिकली चेक करना पड़ता है क्यों चेक करना पड़ता है तो एनश्योर डेथ ब्रेकर इज़ हेल्थी एंड फंक्शनल यानी ब्रेकर हेल्थी है और फंक्शनल प्रॉपरली कर रहा है यानी जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम चेक करते हैं उससे हमको ब्रेकर की जो हेल्थ कंडीशन है ब्रेकर में कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है कि नहीं है वो हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट से फ़ाइन कर सकते हैं तीसरा हमारा कॉन्टैक्ट है हाउ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस अफेक्ट द सिस्टम यानी कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कैसे सिस्टम को अफेक्ट करता है उसका एक एग्जाम्पल हम देख लें इफ द करंट 500 हंड्रेड एम्पियर फ्लोइंग इन बस इफ द कंडक्टर जॉइन कंडक्टर जॉइन कंडक्टर ओम्स इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ओम्स यानी जब कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस हमारा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ओम आए और करंट हमारा बस में से फ्लो 500 हंड्रेड तो हमारा जो पावर लॉस कितना आएगा पावर लॉस हमारा आएगा 500 हंड्रेड वाट यानी जब हमारा रजिस्टेंस जीरो पॉइंट डबल जीरो टू होगा तो हमारा क्या आएगा पावर लॉस सिर्फ 500 हंड्रेड वाट आएगा अभी उसके कंपेयर में जब हमारा रजिस्टेंस ज़ीरो पॉइंट जीरो टू होगा जीरो पॉइंट जीरो टू सेम ही फ्लो होगा उस कंडीशन में हमारा फाइव थाउजेंड वॉट पावर लॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड पावर लॉस यानी टेन टाइम्स पावर लॉस हमारा बढ़ जाएगा यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस जरा थोड़ा भी ज्यादा आ जाएगा तो उससे पावर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट करने का पर्पस क्या है उसका जवाब यह है द कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस तेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टेक्ट डेट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यानी कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट उस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है यानी बहुत जरूरी है जहां लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता हो फॉर एग्जाम्पल सर्किट ब्रेकर है बस बार है केबल ज्वाइंट है एक्सेट्रा एज हायर कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस लीड टू हायर लॉसेस लोअर करंट कैरिंग यानी हायर कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा लॉसेस हमारा हायर होगा लॉसेस हायर होगा तो हमारा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी ये यानी उसका पर्पज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का मेजरमेंट का यही है कि हम हमारी जो इक्विपमेंट है वो हेल्थी कंडीशन में है कि नहीं है उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का रीजन यही है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ हाउ मच करंट शुड अप्लाई फॉर कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस यानी हम कितना एमपियर करंट अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट में वी हैव टू अप्लाई करन इन टर्म्स ऑफ टेन परसेंटेज ऑफ द रेटेड करण इन द नॉर्मल कंडीशन यानी जो इक्विपमेंट है उसका जितना भी करण होगा उसका हम टेन परसेंटेज करण इक्विपमेंट को हम दे सकते हैं टेन परसेंटेज क्यों टेन परसेंटेज दे सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा करण देंगे तो ज़्यादा करण की वजह से जहाँ जो हमारा कांटेक्ट होगा जहाँ वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारा प्योरली रेजिस्टेंस नहीं आएगा जो हमको चाहिए एनश्योर रजिस्टेंस वो हमको नहीं मिलेगा और आगे फिर इन एक्सटेंड मैक्सिमम वी कैन अप्लाई फ़िफ्टीन परसेंटेज द रेटेड करन यानी कहाँ जहाँ हमारा को ज़्यादा ज़रूरत है उधर हम फिफ्टीन परसेंटेज हम फिफ्टीन परसेंटेज तक हम रेटेड करंट दे सकते हैं सिक्स क्वेश्चन हमारा है वाई आर यूज डी सी फॉर द कॉन्टेक्टेशन मेजरमेंट हम डीसी करंट क्यों डेटे हैं क्यों ए सी नहीं डेटे हैं उसका जवाब ये है इफ़ वी विल यूज़ ए सी फॉर फाइंडिंग कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस देर वी हैव टू गो फॉर फाइंडिंग आर एम एस वैल्यू फॉर ए सी यानी हम डी सी की जगह पर ए सीकरण कॉन्टैक्ट रजिस्टेंट मेजरमेंट करने में हम यूज करेंगे एसी करण को तो हमको आरएमएस वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और एसी में एक होता है इंडक्टेंस प्रेजेंट होता है इन एसी हायर वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस इन कंपेयर टू डीसी यानी एसी डीसी की कंपेयर में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करता है सो वी विल यूज डीसी करंट फॉर फाइंडिंग कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट इस रीज़न की वजह से हम जब कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट फाइंड करते हैं तो हम डीसी करंट इंजेक्ट करते हैं ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे अभी हम कल उसके बारे देखेंगे कैसे उसका प्रोसीजर है कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट कैसे चेक करते हैं इफ़ यू थिंक This video used for your friend, you should share with them. Thank you for the watching video.